नमस्कार दोस्तों, गोवर्धन इको विलेज के डे टू के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब ने हमारा डे वन का वीडियो जरूर देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, और या तो ऊपर इस आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, डे टू की शुरुआत हमारी हुई यहाँ की सुबह होने वाली श्री मदन मोहन महाराज जी की आरती से, जो कि सुबह 5 बजे होती है। वैसे तो सबसे पहली आरती सुबह 4:30 बजे की श्री राधा वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में होती है। आरती खत्म होने के पश्चात हम रूम पर वापस आ गए थे। दोस्तों, डे टू का वीडियो डे वन से भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो यहाँ पर आम तौर पर आने वाले लोगों को पता नहीं होती। तो यदि आप वो सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। और वहीं थोड़ी देर में हम पहुँच गए यहाँ के मेन रिसेप्शन एरिया में। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, हमने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा गणपति जी का मंदिर है और वहाँ पर आरती हो रही है। तो हम भी उस आरती में शामिल हो गए और हमने गणपति जी का आशीर्वाद लिया और आज के दिन की शुरुआत की। मंदिर के सामने ही एक शॉप है जो यहाँ पर उगाए जाने वाले ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल करती है। आप चाहे तो यहाँ से अपने घर के लिए कुछ सामान खरीद सकते हैं। वहाँ से आगे बढ़ने पर हम पहुँच गए वापस से श्री राधा वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में। वहाँ पर आरती चालू थी। यहाँ पर मंदिर की दीवारों पर इस तरह से नक्काशियाँ की गई है जो कृष्ण के जीवन चरित्र को दर्शाती है, और यह क्या दर्शाया गया है वह यहाँ पर नीचे तख्तियों में लिखा गया है, जिस वजह से आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएं। करीबन 8 बज चुके थे और समय था सुबह के नाश्ते का, तो हम पहुँच गए वहाँ से श्रीनाथ जी भुवन। यहाँ का नाश्ता भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है, और नाश्ता करके ही जैसे हम बाहर आए हमने देखा कि यात्रियों का आना शुरू हो गया है। लेकिन सबसे पहले आज हमें मिलना है एक ऐसे व्यक्ति से जो कि इस संस्था में तब से जुड़े हैं जब से इस संस्था की नींव रखी गई। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं क्या है गोवर्धन इको विलेज। सो लॉट ऑफ पीपल कम टू इस्कॉन गोवर्धन इको विलेज एंड दे ऑलवेज आस्क अस व्हाट एग्जैक्टली आर वी। आर वी अ ट्रेडिशनल टेम्पल? आर वी एन आश्रम? आर वी एन इकोलॉजिकल सेंटर? राइट? सो दे आर लॉट ऑफ मिक्स्ड इंटरप्रिटेशंस पीपल come up with trying to define us. So if you actually go back to the traditional understanding of how temples were, apart from just being places of worship, they were mainly centers of education. And when I say education, it is not just academic education, but it also includes a overall life education. And that's what we try to do here at Govardhan Eco Village. When a visitor comes here, the first thing that invites them is the wonderful spiritual ambience. So we have two wonderful temples, one Shri Radha Vrindavan Bihari temple, where with a nice huge traditional ISKCON styled temple hall, a lot of wonderful kirtans and programs going on. And we have a very very special temple which is perhaps the only replica of a very traditional historical temple. So in Vrindavan there is a very famous temple of Shri Radha Madan Mohan ji, and we created a literal life-sized replica of that. So in terms of a geo-tourism, as a cultural tourism project, we can say this is one of the only places in the world where you will see a literal life-sized replica of another ancient temple being made. So these are the two main highlights when a visitor walks in. And as they proceed further, they will be welcomed with a wonderful replica of the entire Vrindavan Dham. And that is what you can say is the heart of the entire eco village. People come here for that kind of a cultural experience where they don't have to go all the way till Delhi to experience Vrindavan, but right here in the outskirts of Mumbai, they get to experience Vrindavan, the famous temples of Vrindavan, a mini Yamuna river, and of course a mini Govardhan Parvat. That's what makes Vrindavan so complete. So you will see here there are wonderful programs, like how you have the famous Ganga Aartis in North India. You see, we have Yamuna Aarti, which happens here every evening. There's wonderful worship of Govardhan Puja, which happens, and beautiful kirtans that welcome the guests and visitors every evening. So
So this kind of a spiritual experience, it creates that kind of a transformative effect on the audience who come here. So that is, to begin with, is the primary offering that every visitor who comes here, a lot of people come here just for a day or sometimes even for a few hours in the evening to experience that. And for those who want a more deeper and a more holistic kind of experience, that's where the second component of EcoVillage, which is the educational component. As I said earlier, places, temples were traditionally places of education. And education in which fields? About all aspects of life. So here you will see we are offering courses in how to grow your own food, how to take care of your waste, how to manage your water situation, right? From an ecological angle, what are all the necessities? Not only do we teach, but we actually walk our talk. We actually have demonstrated award-winning projects. Especially in the last 5 years, Govardhan EcoVillage has won more than 35 awards of national and international repute in the field of ecology and sustainability. Then people also come here to purify their own body through very, very traditional practices of Ayurveda. We have a wonderful Ayurvedic center where we have our own in-house doctors who give very excellent guidance and help in suggesting the right kind of therapies that one can take up to. So it's not just like a general therapy center, but we've also administered some serious patients also in helping them overcome some long-term ailments of their body. So that kind of a physical detox is also what is available. And if you go even more deeper, beyond the body comes the mind and the link between body and mind. And that is where the traditional practice of yoga, asanas and pranayama come into play. So we also have a Govardhan School of Yoga, wherein we offer multiple courses from simple weekend yoga anubhav kind of a course to as much as 1 month long yoga teachers training course, where participants who come here in 1 month, not only do they experience a life transforming effect, but they become equipped to go back and start teaching others. They become teachers. So that is a kind of a training effect that they experience. And if they go even further deeper beyond the body and mind, is of course is our true identity, the soul, the spirit. And for spiritual education also, we have wonderful courses in a very nice systematic way, explaining the deeper concepts of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and many traditional Vedic literatures. So this overall educational experience is what that creates a sense of a holistic well-being in us. So you have to take care of your body, you have to take care of your mind, and you have to take care of your soul, or kind of revive the spiritual state. So with that intention, here we created this kind of a very unique place, right? So some people like to look at it as a school, as an educational place. Some people may even call it, this is a spiritual hospital where people come here to get better when they are bogged down with the strains and pressures of city life and whatever challenges life throws at them, to kind of recover and heal from the difficulties of life. They come to this place as a spiritual hospital. And some people also come here just to experience the peace and ambience of a sattvic spiritual place like this. So I think in that sense, there is something for someone, or if everyone has something to take from this place, you know, and that has been our experience. And so in that sense, it's very difficult to label us under one category because there are so many things happening. But if there is one name, if you would like to call us, like, you know, that is how we like to look at us. This is like a spiritual retreat. You know, a retreat is a place where you withdraw, go back to rejuvenate. So whether you're looking for physical rejuvenation, whether you're looking for mental rejuvenation or spiritual rejuvenation, this is the place to be. And that has been the feedback we've received from so many wonderful guests who come here, because this is a unique kind of a place
right, which you will not find. It's not like a commercial place where you just go have some kind of a chill out time and then go home, right? But rather, it's a place to actually experience something deeper, something transformative, right? So this is how I would like to define what we do here. वाकई दोस्तों, प्रभु जी की बातें सुनकर गोवर्धन इको विलेज की तरफ देखने का हमारा नजरिया ही बदल गया। तो चलिए अब चलते हैं वृंदावन की सैर पर। वृंदावन जाने के लिए सबसे पहले तो हमें यह पुल पार करना होता है जो कि बना हुआ है यमुना नदी पर। पुल पार करते ही आप पहुंच जाओगे वृंदावन में। जैसा नाम वैसा ही यहाँ का रूप है दोस्तों। हर तरफ आपको हरियाली हरियाली नजर आएगी और साथ ही नजर आएंगी कृष्ण की बाल लीलाएं भी। और वहीं कुछ आगे बढ़ने पर आता है श्री यमुना जी का तट, जहां कहीं आपको श्री कृष्ण नजर आएंगे गोपियों संग रासलीला रचाते हुए और कहीं नजर आएंगे आपको अपने बाल गोपालों संग गैया चराते हुए। और उसके अलावा इस पूरे वृंदावन में श्री कृष्ण के जीवन संबंधित कई झांकियां यहां पे प्रस्तुत की गई है, जिनमें इनकी बाल लीलाओं का अलग दृश्य तैयार करके दिखाया गया है, जिसमें कभी इन्होंने किसी असुर का उद्धार किया हो या कहीं माखन चोरी हो या कहीं कालिया मर्दन हो। और वहीं कुछ आगे बढ़ने पर आता है श्री यमुना जी का उद्गम स्थल। इसे एक झरने की तरह बनाया गया है। तो चलिए अब वृंदावन से चलते हैं गोवर्धन पर्वत की ओर, क्योंकि यहाँ पर गोवर्धन की परिक्रमा भी हम कर सकते हैं। जहाँ से कल हम आरती के लिए गए थे वहीं पे गोवर्धन परिक्रमा का रूट भी है। जैसे हम वृंदावन में गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह की गोवर्धन परिक्रमा यहाँ पर इन्होंने बनाई हुई है। असल में गोवर्धन परिक्रमा 21 किलोमीटर लंबी है, जिसे पूरा करने में करीबन 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वही परिक्रमा आप 5 से 10 मिनट में पूरी कर सकते हैं। और इस परिक्रमा को बिल्कुल गोवर्धन जैसा बनाने के लिए रास्ते में कुछ ऐसे सरोवर एवं स्थल बनाए गए हैं जो असल में गोवर्धन परिक्रमा के समय आते हैं, जैसे कि कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, पुंछरी का लोटा इत्यादि। और वहीं यह परिक्रमा समाप्त होती है श्री श्याम कुंड और राधा कुंड के पास। यदि आप किसी कारणवश वृंदावन जाके गोवर्धन परिक्रमा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम आप उस परिक्रमा का कुछ अंश तो यहाँ पर अनुभव कर ही सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं गोवर्धन विको विलेज के कुछ ऐसे भाग में जहाँ पर हर कोई नहीं जा पाता। तो सबसे पहले हम आपको लेके जा रहे हैं यहाँ के सत्संग भवन में। सत्संग भवन यहाँ का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर योगा, मेडिटेशन एवं आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर यह शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग अलग कोर्सेज है, जिनकी अवधि 4 दिन से लेकर 1 महीने तक की होती है। तो जो लोग यह शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, इनकी रहने की व्यवस्था भी यहीं पे की जाती है। और उसके लिए यहाँ पर कई सारे कॉटेजेस उपलब्ध है। उन्हीं में से एक है यह गोकुल कॉटेजेस, जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। यह कॉटेजेस काफ़ी इको फ्रेंडली है और यहाँ पर यात्रियों के लिए हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। और यदि आपको प्रकृति के और भी नज़दीक रहना पसंद हो तो उसके लिए बनाए गए यहाँ के मधुवन विलास। जी हाँ दोस्तों,
ये ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल जंगल के बीचों बीच टेंट्स बना दिए गए हों। लेकिन यह बाहर से दिखने में भले कैसे ही लगते हो, लेकिन अंदर से यह किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं है। तो आप चाहे तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं। और वहीं कुछ आगे बढ़ने पर आता है यहाँ का आयुर्वेदा भवन। यहाँ पर घोड़ों को भी काफी अच्छी तरह से रखा गया है और उन्हीं के साथ साथ गधों को भी यहाँ पर रखा गया है। इतना सब होने के साथ हम बच्चों को कैसे भूल सकते हैं। तो बच्चों के लिए यहाँ पर रमन रेती नाम का एक उद्यान बनाया गया है, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से अलग अलग संगीत वाद्यों को भी रखा गया है। जैसे कि आप यह जो देख रहे हैं, साइलोफोन को मार्बल के अंदर बना के लगाया गया है, जैसे इसमें कुदरती तौर से किस तरह से आवाज़ आती है आप देख सकते हैं। क्योंकि यदि जब भी आप यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हो तो आपके बच्चे बोर ना हो, उसका यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। जहाँ पर हर प्रकार के खेल कूद के सामान के साथ में ट्रैम्पोलिन भी उपलब्ध है। वहीं बच्चों के लिए कुदरत के साथ साथ संगीत की समझ भी ज़रूरी है। इसके लिए यहाँ पर ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं जो कुदरती तौर पर चलते हो, जिन्हें किसी भी प्रकार की बिजली की ज़रूरत ना हो और आपके साथ साथ आपके बच्चे भी इसका अनुभव कर सकें। तभी हमने और एक अनोखी चीज़ देखी कि पाइप के द्वारा एक टेलीफोन बनाया गया था, जिसमें एक कोने से दूसरे कोने तक आप बिल्कुल साफ साफ बात कर सकते थे। और वहीं पर है एक छोटी सी जिप लाइन, जिसमें आप बच्चों को लटका के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते थे। हमारे बच्चों ने भी इसका भरपूर आनंद लिया दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर हर किसी के उम्र का ख्याल रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर आए वह इस प्रकृति का पूरे पूरा आनंद ले सके। और अब समय था यहीं से आगे की तरफ गौशाला में जाने का, क्योंकि यहाँ की गौशाला भी अपने आप में एक अनोखी गौशाला है। तो चलिए इसके बारे में भी सुनते हैं प्रभु जी से कि उनका इस गौशाला के बारे में क्या कहना है। See, actually, what is a unique factor of our Goshala is we are working on a program wherein we are trying to enhance the qualities of our indigenous breeds. One thing you will see is we all have our Desi varieties of cows. We have Gir and Tharparkar mainly. And traditionally, Indian breeds would also give a good quantity of milk. And over a period of time, due to whatever reasons, the quality of our traditional breeds got deteriorated. So the idea is we're working on a program where we have a very systematic breeding and very controlled program, where the emphasis is more on cow care, emphasis more on go seva, right? And when there is good go seva which happens, naturally cows are happy and they will grow to be very wonderful, beings. And of course, their blessings will ensure that the entire community and the bigger village which is here also remains in a very nice, balanced, sattvic way. So that is the broader program. And you'll see that it's not that milk is not our primary product here. In fact, as our name suggests, Govardhan, the word comes from Govar. Govar is the original version of Gobar. Right? So for us, we look at gobar as our main product. If somebody says, if you want to measure the utility of a goshala, you should see how much gobar you are getting. So that gobar is what that is supporting us, whether it is in terms of for farming, for irrigation, agriculture, or whether we have biogas plants, we are producing gas, or we make those dried cow dung patties, gobar ke kande, which we use in cooking. So, and we also make, we have our own little small scale industry wherein we manufacture dhoop battis and agarbattis and, you know, tooth powders and bathing powders and so on. So it's a whole model centered around gobar and cows, right? So that is the understanding. So we're trying to showcase how by good go seva, yeah, you can support cows and bulls, both are equally important for us. And any
cow or a bull which is born in our community stays here with us till their last breath. They are like as good as our family here, right? So that concept is called as an Ahimsa Goshala, wherein we don't send our cows or bulls at old age or at any point. Once they are born, they are part of the community here. So with that intention, we set up this Goshala. And more importantly, we want that strong interaction between humans and animals to take place. And you will see it is not just cows. We also have another animal barn where some other animals which are often neglected in India are also taken care of. Like we have donkeys, we have goats, sheep, right? So horses, they also have been abandoned horses just about to be sent to slaughterhouse. Former retired race horses about to be killed, but somehow they made their way here and today we are taking care of them. So the idea is we should change our this exploitative utilitarian worldview, right? Because today we look at everything ki ye productive hai ki nahi, then it is important. If you're not productive, get rid of it. You know, the use and throw culture jo hai na, we are trying to show that if you want to genuinely live in harmony with yourself and with nature and with divine, learning to deal with animals with compassion is the first step. So that's one of the important educational component we give to people here, that come spend time with animals, know what you are missing. Today people living in cities, they are so disconnected, they don't have this connection. So we encourage them as part of daily tours, come spend time with the cows, come spend time with the donkeys and the horses and the goat and sheep. Develop that personal connection with animals and then you will see that changes our whole human psyche, the psyche of the entire society will turn towards more compassionate side. So that is the educational output we are looking forward to from this whole interaction. यहाँ पर घूमते घूमते मेरे दिमाग में और एक ख्याल आया कि इसे इको विलेज क्यों कहा जाता है। तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए हम फिर से प्रभु जी के पास गए और हमने यह जानने की कोशिश की कि इसे गोवर्धन इको विलेज क्यों कहा जाता है, मतलब ऐसी क्या खास बात है कि जिससे हम इसे इको विलेज कहें, या इसकी डेफिनेशन क्या है। सो इन टर्म्स ऑफ आवर इकोलॉजिकल इनिशिएटिव्स, देयर आर मल्टीपल एरियाज इन व्हिच वी बीन वर्किंग ऑन। वन ऑफ द फर्स्ट एरियाज वी स्टार्टेड वाज इन वाटर कंजर्वेशन। सो यू विल नोटिस दैट वी हैव दिस 1.3 करोड़ लीटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड। वी आर ऑल्सो बिल्डिंग एन अदर वन नाउ इन टर्म्स ऑफ द न्यू डिमांड दैट वी आर हैविंग। So one of the earliest ecological eco-sustainability awards we got was for that project, where we used a very scientific technology called as hydrogeology to understand the study of groundwater, and based on which we identified locations where to make these rainwater ponds and so on. So that has been one area. The other area in which we've been actively working is in waste management. In fact, that has been one of our core strengths. You'll be surprised to know that despite being in a very remote location, despite having at least 300 residents plus another 200 to 300 visitors and sometimes running up to 1,000 visitors, we still do not dump our wastewater anywhere. Every single drop is processed in-house without any chemicals. So we have our own in-house technology called as soil biotechnology. And using that, simply by the power of soil bacteria, we are treating all the wastewater with very minimal energy consumption. And not only that, we are able to recover that wastewater, right? Almost 40 million liters of water are recovered every year. And that goes back for all the landscaping. So all the greenery that you are seeing, we are not wasting water. It's actually recovered wastewater, which goes back for all the greenification of the village. Right, so that is one area of waste management. Other area is for food waste, leftovers. For that also we have developed a technology called as accelerated composting, wherein again by using soil bacteria we are able to speed up composting and make it efficient. From a 90 day time cycle we brought it down to around 45 to 50 days. So that way we are able to utilize the food leftovers, kitchen peels, all of that into usable compost, which again goes back into our gardens and horticulture. The third area, which is perhaps again very unique to this place, is where we deal all the plastic waste in-house and we convert that plastic waste into usable oil. It's called as pyrolysis, plastic pyrolysis,
wherein we convert all the leftover collected plastic from bottles to whatever, wrappers, everything, all of that is nicely cleaned first and it is shredded, and that is put into this unit, a pyrolysis unit, wherein we are able to convert that into diesel grade polyoil, which is used to produce electricity. So that way we are recovering energy from waste in the form of plastic waste, and for more so for us it is an ethical way of plastic disposal, rather than just dumping it somewhere or, you know, or even worst case burning it. We don't know what happens once you give it outside. We want to make sure that the plastic karma we are creating, we are taking care of it in-house. So that is another area of waste management. Regarding the construction technology also, we use green building technology. The entire Ecovillage is a Griha 5-star rated project. Griha is the Ministry of New and Renewable Energy's initiative, GRIHA, Green Rating for Integrated Habitat Assessment, which sees how eco-friendly the buildings are. So we are one of their 5-star rated projects, mainly because we use a technology called as compressed stabilized earth blocks, which is hand pressed bricks which are sun dried, which are not burnt in a bhatti or, right, these are just sun dried bricks. So you'll see majority of the construction we have made, they use those kind of bricks, and they are also very thermally cooling also, you get that experience also, and they consume very less embodied energy. So for that, we have received a lot of awards for green building technologies, right? And finally, regarding energy conservation, we definitely use a lot of biogas. We also use solar. Right now, our dependence on solar is not much because of the cost prohibitive issues. But we are hoping that once solar technology gets a little more cheaper, we can invest more in solar technology. Right now, only around 30-40% is met with solar, but 60% still connected to grid. But long term, we do hope that we can eventually be off the grid at some point, right? But that is a long term project for us. So yeah, so these are in short the various ecological initiatives that we have here. तो दोस्तों, उम्मीद है मेरी तरह आपके भी सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे कि गोवर्धन इको विलेज आखिर है क्या और यहाँ पर हमें किस चीज़ के लिए आना चाहिए। वैसे एक दो दिन के लिए हम आए, या एक दिन के लिए भी आए, या कुछ घंटों के लिए भी आए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिर में इस पर्यावरण के प्रति हमारी जो जवाबदारी है वो हमें ज़रूर निभानी चाहिए। तो मैं जानता हूँ कि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन इससे आपको जानकारी भी काफ़ी मिली होगी और आपको मज़ा भी बहुत आया होगा। और यदि फिर भी अगर आपके और भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपके हर सवालों के जवाब देंगे दोस्तों। तो इसी तरह बने रहिएगा हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर दोस्तों। धन्यवाद।